खबर बाराबंकी के ब्लॉक सूरतगंज से है, जहां पर आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए दो लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें अनिता रावत 73 मत पाकर विजयी रही। वहीं उनके प्रतिद्वंदी दीप नारायण को 37 मतों से संतोष करना पड़ा। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। बाराबंकी जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी व अनिल कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक ने भी मतदान स्थल का दौरा किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। एईजे न्यूज के लिए सूरतगंज से अखिल अंसारी की रिपोर्ट। कारण परिवर्तन हुआ, विकास होगा, हर गरीब किसी गरीब का हक नहीं मारा जाएगा, हर गांव में विकास पहुंचेगा और विधायक जी के उस संरक्षण में इस विकास में नई नई योजनाएं आएंगी, काम होगा। आशीष सिंह के मार्गदर्शन। खबर चंदौली से है, जहां पर अलीगढ़ से गायब किशोरी अबूझ हालत में मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र बरामद हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किशोरी मोहम्मदपुर इलाके में मिली, जहां वह बार बार बेहोश हो रही थी और मदद की गुहार लगाती देखी गई, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी और उसे राजकीय महिला चिकित्सालय मुगलसराय में भर्ती कराया। पूछताछ में पता चला कि किशोरी अलीगढ़ इलाके से उस वक्त लापता हो गई जब वह घर से कोचिंग के लिए निकली थी और घर नहीं पहुंची। उसके बाद किशोरी के परिजनों ने अलीगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। किशोरी से बातचीत के दौरान यह भी पता चला है कि जिन लोगों ने उसे अगवा किया था उसे बच्चा चोरी के धंधे में डालना चाह रहे थे। इसके बाद किशोरी किसी तरह से बचकर बाहर निकली और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुँच गई। पूरे मामले में पुलिस किसी घटना से इनकार कर रही है और पीड़िता को उस के नजदीकी रिश्तेदार के सुपुर्द कर पल्ला झाड़ लिया। कोचिंग जा रही थी। एईजे न्यूज के लिए और अशोक जायसवाल की रिपोर्ट। पैदल कोचिंग जा रही थी, इनको कुछ लोगों ने किडनैप किया और ये नहीं देख पाई कि मतलब जो है कि किसने इनको जो है उठा के ले गई। ये बेहोश हो गई थी और इनका कहना है कि मुझे 7 तारीख को होश आया तो मैं एक कमरे में बंद थी और वहाँ पर कुछ दीदी लोग थी, उनके माध्यम से इनको पता चला कि मतलब हम कहाँ पे आए हुए हैं। स्थानीय देखा तो किस हालत में थी ये अर्ध बेहोशी की हालत में थी। ये प्रधान जी, ये इस तरह की भी बात मतलब कि ये अचेत हो जा रही थी, इस तरह की भी बात कह रही है ये लड़की कि इसको अपहरण किया गया, इससे बच्चे उठवाने की बात प्रकाश में आई है और एक कोई इसके अनुसार कोई नेक्सस काम कर रहा है, नेटवर्क काम कर रहा है जो इसको इस तरह इस धंधे में डालना चाह रहा है। हाँ, बच्ची अभी जैसे होश में आई है तो इसने कहा कि मुझे कहा गया था कि आपको बच्चे उठाने हैं, यदि आप बच्चा नहीं उठाएंगी तो आपको मार दिया जाएगा। ये नहीं बता पा रही कि कैसे ये यहाँ पे पहुँची? नहीं, ये नहीं बता रही हैं। ये कह रही हैं कि मुझे बेहोश कर दिया जाता था और जब इनको होश आया तो ये ऑटो में थी और ऑटो का ड्राइवर जो है इनको बच्चा उठाने के लिए बोला। कुछ और फिर